Good morning, everyone. Hi, I am Japneet and I am conducting this session for class 4. We are continuing our previous session of noun and its types. We have done three types of noun in previous session and we are going to continue with that and we are going to do more of it. But before we just need to revise what we have done. We have done what is noun. So the name of a person, a place, an animal or a thing is called a noun. So koi bhi naam noun hota hai. Noun is also known as naming word. You have done it in your previous classes also. You are doing it from class 1 and here we are going to do subcategories of that how can we differentiate which type of noun it is. So before that we are going to do the types of noun that are common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. We have already done common noun, proper noun and collective noun in previous session and today we are going to do material and abstract noun. Just before that we are going to revise all three of them again so that you can remember them properly. You have done all three of them in previous classes also, you are aware of it. So let's do common noun. What is common noun? Common nouns are words for people, places, things or animals of same class or kind. Jo ek jaise क्लास या एक जैसे तरह के होते हैं उनके लिए कॉमन नाम रखा जाता है, उसे कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे गर्ल्स, तो सारी गर्ल्स हैं बट उस गर्ल का नाम अगर रख देंगे कुछ, सपोज वंशिका या ऋतिका या मैत्री, कुछ भी नाम रखेंगे तो वो प्रॉपर हो जाएगा. बट सारी क्या हैं? गर्ल्स हैं, तो गर्ल इज अ कॉमन नाउन. ऐसे ही आप और भी एग्जाम्पल्स देख सकते हैं. सो रिव्यू प्रीवियस सेशन अगेन सो दैट यू कैन मेमोराइज इट. अगेन नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर नाउन. व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन इज अ स्पेशल नेम गिवन टू पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स एंड थिंग्स. सो ऐसा एक नाम जो स्पेशल होता है किसी के लिए भी, स्पेसिफिक नेम होता है. लाइक बिफोर आई टेल यू told you that a girl is a common noun, but if we give a name to that girl, suppose Vanshika, Ritika or Maitri, so these are proper nouns. All right, now let's move on to collective noun. Collective noun are words for group of people, animals or things. तो किसी भी एक ग्रुप को जब हमें इकट्ठे एक ग्रुप को नाम देना होता है उसका, तो उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. जैसे कि हमने पिछली बार एक पूरी लिस्ट करी थी लास्ट सेशन में, इट वाज रिगार्डिंग कलेक्टिव नाउन लाइक एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स. तो सारे सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? आर्मी कहते हैं. अ हर्ड ऑफ शीप, तो पूरे शीप के ग्रुप को क्या कहते हैं? हर्ड. तो ऐसे ही आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने लास्ट सेशन में करे थे. सो यू कैन वॉच दैट वीडियो अगेन टू मेमोराइज ऑल दोज थिंग्स. आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिकैप्चुलेशन ऑफ दैट व्हाट वी हैव डन इन प्रीवियस क्लास. वी आर गोइंग टू डू मटीरियल नाउन. व्हाट इज मटीरियल नाउन? मटीरियल नाउन्स आर वर्ड्स फॉर द मटीरियल ऑफ विच अ थिंग, of which things are made. So ऐसे चीजें जिनसे आगे कोई चीज बनाई जा सकती है. So what is material noun? किन से ऐसी चीजें बनाई जा सकती हैं? Let me be more clear about it. What is material noun? So they are uncountable and found in concrete forms in nature or maybe they are made by human beings. So what are these? अगेन कंफ्यूजिंग है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. नो अभी समझ आ जाएगा. वेट, व्हाट इज मटेरियल नाउन? के जिससे कोई भी आगे चीज बनाई जा सकती है. जैसे कि गोल्ड, गोल्ड आपको नेचर में मिलता है, सो उससे आगे क्या बनाया जा सकता है? गोल्ड से इयररिंग्स बन सकते हैं, उससे पेंडेंट बन सकता है, चेन बन सकती है, रिंग बन सकती है,
नेकलेस बन सकता है, बहुत सारी चीजें बन सकती हैं. सो गोल्ड इज अ मटीरियल नाउन. ऑल राइट, और क्या होता है सर जो मटेरियल है जिससे आगे कुछ बनता है? आयरन. सुना आपने आयरन? आयरन से रॉड्स बनते हैं, आयरन से बहुत सारी चीजें बनती हैं. ग्लास, ग्लास से बनती हैं बहुत सारी चीजें. ग्लास से कप्स बनते हैं, ग्लास से विंडोज बनती हैं, ग्लास से ग्लासेस बनते हैं जिसमें हम पानी पीते हैं या जूस पीते हैं. तो वो एक मटेरियल है जिससे आगे हम कोई और चीज, कोई और सब्सटेंस बना सकते हैं. सो दीज आर अनकाउंटेबल एंड दे आर इन कंक्रीट फॉर्म, क्योंकि ये हमें नेचर से मिलते हैं या ये ह्यूमन बींग्स खुद क्रिएट करते हैं जिससे आगे कोई भी और चीज बना सके. फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड, कॉटन, वुड, आयरन, ग्लास, वूल एंड एक्सेट्रा. देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ इट. यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट इट विल ऑलवेज बी सिंगुलर. लाइक विंडो इज मेड ऑफ ग्लास. ऑल राइट, तो वो कभी भी हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि विंडो इज मेड अप ऑफ ग्लासेस. नो, ग्लासेस मीन्स ग्लास जिसमें पानी पीते हैं, कांच का ग्लास. लेकिन जब हम मटेरियल नाउन की बात करेंगे तो मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड्स फॉर क्वालिटीज, इमोशंस, आइडियाज एंड फीलिंग्स. तो ऐसे नाउन जिनसे हमें कोई क्वालिटी का पता चले, इमोशन का, आइडिया का या फीलिंग का. तो क्वालिटी क्या हो सकती है? लाइक ऑनेस्टी. तो ऑनेस्टी एक क्वालिटी है, सो ऑनेस्टी इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इमोशन का पता चले, इमोशन कैसा हो सकता है आप बताओ? एक्साइटिंग सा इमोशन कुछ हो सकता है. तो इमोशन का जिनसे पता चले वो क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑल राइट, आइडियाज का कैसे पता चलेगा? आप सोच सकते हो कोई एग्जाम्पल? जल्दी सोचिए. फीलिंग्स, फीलिंग्स कैसे पता चलेंगी? तो अभी मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बताने वाली हूँ. वेट, इट कैन नॉट बी सीन और टच. जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो कभी भी देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, इवन स्मेल नहीं कर सकते हैं. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सेंस नहीं किया जा सकता है. ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल, यूथ, यंग होना, यूथ, तो यूथ एक्सपीरियंस किया जा सकता है. ऑल राइट, ये एक फीलिंग है कि हम यंग है. ऑल राइट, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. ब्यूटी क्वालिटी है, ब्यूटी, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कोई चीज आपको सुंदर लग रही है. फियर इमोशन है, और ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज अ क्वालिटी. हंगर, तो हंगर इज वॉट? फीलिंग. आप फील करते हो ना कि मैं हंग्री हूँ, तो हंगर इज अ फीलिंग एंड इट इज ऑल्सो अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऐसे ही और भी बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं. एंगर, थर्स्ट, हैप्पीनेस, सैडनेस, बोल्डनेस, ब्रेवरी, कामनेस, हेट्रेड, विक्ट्री, लव, पीसफुल, एक्सेट्रा. सो देर आर मेनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दैट. सो यू शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट द वर्ड विच टेल्स अस अबाउट द क्वालिटीज, इमोशंस, आइडियाज और फीलिंग्स. एंड दीज क्वालिटीज, इमोशंस एंड आइडियाज एंड फीलिंग्स कैन नॉट बी टच्ड और सीन, सो दे आर एब्स्ट्रैक्ट नाउ. और नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू रिकैप व्हाट वी हैव डन इन बोथ द सेशंस ऑफ नाउन. वी हैव डन द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, एन एनिमल और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन. सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ नाउन. सो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ नाउन. एंड देन वॉट आर द टाइप्स ऑफ नाउन? सो वी आर गोइंग टू डू फाइव टाइप्स ऑफ नाउन.
In fourth, that is common noun, proper noun, collective noun, material noun and abstract noun. What is common noun? Common nouns are words for people, places, things or animals of same class or kind. जो एक जैसे तरह के होते हैं, suppose dog, तो सारे dogs हैं, but dog की अगर मैं special बात करूंगी तो वो किस में आ जाएगा? प्रॉपर नाउन में. सो व्हाट इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन आर स्पेशल नेम्स गिवन टू पीपल, प्लेसेस, एनिमल और थिंग्स. लाइक अभी मैंने आपको कॉमन नाउन में बताया डॉग. प्रॉपर में क्या हो सकता है? लाइक डालमेंशियन, पमेरियन, हस्की, सैन बर्नार्ड, लेब्रा डॉग. सो ये क्या है? टाइप्स हो गई. तो ये जो उनकी टाइप्स हैं आगे कि कौन से टाइप का, कौन सी ब्रीड का डॉग है, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि एक स्पेसिफिक नेम है, स्पेशल नेम है उसका. ओके, कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स फॉर ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग. सो कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप के लिए यूज होता है. मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिए थे, लाइक क्लस्टर ऑफ स्टार्स और गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ट्रू स्क्वायर ऑफ सिंगल्स. तो ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हो. मटीरियल नाउन आर वर्ड्स फॉर द मटीरियल ऑफ विच अ थिंग इज मेड. तो मटीरियल नाउन क्या है? एक ऐसी चीज है जिससे और आगे भी बहुत सारे मटीरियल बनाए जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल वूल. वूल से क्या बनता है? स्वेटर, जैकेट, कार्डिगन, कुछ भी बन सकता है वूल से. ऑल राइट, कॉटन. कॉटन से क्या बनता है? क्लॉथ बनता है. फिर उस क्लॉथ से बहुत कुछ चीजें बन सकती हैं, शर्ट, स्कर्ट, फ्रॉक, सूट, तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं. इसलिए कॉटन क्या है? मटेरियल नाउन है. लास्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड्स फॉर आइडियाज, इमोशंस, फीलिंग्स एंड क्वालिटीज. सो ये हमें ऐसे नाउन के बारे में बताता है जिसमें हमें आइडियाज और फीलिंग्स के बारे में, इमोशंस के बारे में पता चले. ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. इफ नॉट, यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन. एंड इफ यू हैव नॉट सैटिस्फाइड, यू कैन ऑल्सो आस्क मी रिगार्डिंग ईच एंड एवरी क्वेरी ऑफ योर्स. I am giving you an assignment so that you can do it and assess your knowledge that you have learned about nouns properly or not. So here is question 1 here, where you have to match the material which they are made up of, like bag. Bag is made up of what? You have to match. Please don't make lines, do numbering. You are in fourth class, you are very much big, so that you can use numbers. Don't make lines, please. Question 2 is circle the odd noun out. आप 4 nouns दिए हैं, इसमें से आपको odd कौन सा लग रहा है उसे आपको circle करना है. तो odd noun कौन सा होगा जो उस category में नहीं आता, तो आपको check करना है वो. Question 3 underline the abstract noun. तो आपको इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है जो क्वालिटी, फीलिंग, इमोशन या आइडियाज के बारे में बताए. क्वेश्चन 4 पुट ईच वर्ड इन अप्रोप्रिएट कॉलम. तो आपको यहाँ पे पांचों नाउन्स के कॉलम दिए हैं और कुछ वर्ड्स दिए हैं, आपको उन्हें अपने अपने बॉक्स में पुट करना है. इफ यू वांट टू मेक मोर लाइंस यू कैन मेक इट. जरूरी नहीं है कि 3 मैंने बॉक्सेस दिए हैं तो 3 ही इसमें आपको मिलेंगे नाउन्स, ज्यादा भी हो सकते हैं. ठीक है, तो आपको चूज करना है और उस कैटेगरी के नीचे पुट करना है कि ये कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऑलराइट, सो दिस इज वेरी इजी असाइनमेंट, यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द असाइनमेंट एंड वीडियो. इफ नॉट, यू कैन वॉच दिस अगेन. व्हाट आई एम सेइंग, यू कैन लिसन इट केयरफुली व्हाइल वॉचिंग द वीडियो.
Okay, bye bye everyone. Thank you once again for watching, and I hope you are safe at your home and taking all the precautions so that you can be safe from coronavirus. Okay, bye everyone. Take care.